Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. A number when divided by 73 gives 34 as quotient and 23 as remainder. Find the number. तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एक नंबर x, इसको जब हम डिवाइड बाय 73 करते हैं, when divide by 73 तो क्वेश्चन क्या आता है 34 और रिमाइंडर आता है 23. तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे. हम जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम अपना आंसर निकालेंगे. तो आंसर क्या आएगा हमारा, हमें क्या दिया है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73. तो डिवाइजर क्या हुआ, डिवाइजर है हमारा डिवाइडेड बाय है 73, तो डिवाइजर है 73. क्वोशेंट क्या आया है वो भी हमें बताया गया है, क्वोशेंट आया है 34 और रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर इज 23. तो अगर ये तीन वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर लें तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा. तो डिविडेंड क्या है, x इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, डिवाइजर है 73 इंटू क्वोशेंट इज 34, 73 इंटू 34 प्लस 23. तो अब हमें देखना है 73 इंटू 34 क्या होता है. तो 4 3s are 12, 28 एंड 9 29, 3 3s are 9, 3 7s are 21, 2 8 4 2. ठीक है, तो ये क्या आ गया 2482. तो x की वैल्यू आ गई 2482 प्लस 23. तो 2482 प्लस 23 क्या होगा, 2482 प्लस 23 है 5 10 5 2. तो 2505 हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर इज 2505. ठीक है, I hope you understood the explanation. Thank you.